नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के अपने जो दो भाग हैं, दो अध्याय हैं, वो पूरे हो चुके हैं। आज हमने पाठ 3 के बारे में, अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर, यानी दुनिया में सबसे पहले किस प्रकार से नगरों की स्थापना हुई थी। हमने पढ़ा कि आदिमानव जो था उसने गांव बना लिए थे, समूह में रहने लगा था, एक सभ्य मानव के गुण उसमें आने लगे थे। पाषाण काल के तुरंत बाद क्या है, उसमें इस प्रकार के गुण विकसित होना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे इतना क्या समय लगा, और उस समय के बाद जब उन्होंने नगरों को विकसित किया तो किस प्रकार के नगर थे उनके, उन नगरों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे नगर थे, उनकी स्थापना कैसे थी, उनका निर्माण किस प्रकार से किया गया था, वहाँ का संचालन कैसा था। तो इस चैप्टर में देखते हैं, शुरू करते हैं अपने। सबसे आरंभिक नगरों के बारे में बात करें तो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता, जो प्राचीन भारत की एक विस्तृत और विशाल सभ्यता का स्वरूप है। जब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन क्षेत्रों में क्या है, भारत एक हुआ करता था, वृत्र भारत था, उस समय इस प्रकार की जो सभ्यताएं थी वो विकसित हुई थी उस समय। और इसके बारे में पता कैसे चलता है वो देखते हैं अपने पॉइंट नंबर 1, हड़प्पा की कहानी। देखिए, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में रावी नदी के पास है। रावी नदी के किनारे पर क्या है, हड़प्पा नाम का शहर था उस समय। तो बात करते हैं अपने कि जब अंग्रेज रेलवे के हेतु या रेल के लिए पटरी बिछा रहे थे, पटरी या लाइन बिछा रहे थे, रेलवे लाइन, तब जब वो पाकिस्तान के इस क्षेत्र में रेलवे लाइन को विकसित कर रहे थे, तब उनको क्या है, पत्थरों की या ईंटों की ज़रूरत पड़ी थी रेलवे लाइन को क्या है, मजबूत बनाने के लिए। तो उस समय क्या है, वो जो कामगार थे, कारीगर थे, मजदूर थे, उन्होंने क्या किया, वो जाकर यहाँ इनको आसानी से ईंटें मिलती गई और वो उन ईंटों को लगाते रहे। लेकिन जब वहाँ के इंजीनियर ने इस बात का प्रश्न किया कि ये ईंटें जो इतनी मजबूत हैं और इस प्रकार की ईंटें जो आसपास कहीं नहीं मिली है इस प्रकार के समय में, तो वो ईंटें कहाँ से ला रहे हैं, तब मज़दूरों से इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, तो मज़दूरों ने बताया कि हमें ये ईंटें इस गांव में मिलती हैं और इस गांव के लगभग सारे घर जो हैं वो इन्हीं ईंटों के द्वारा बनाए गए हैं। तब इसकी खोजबीन जब शुरुआत की गई तो क्या है, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, ये दो प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या है, इसकी खोजबीन का सबसे अहम कार्य संपूर्ण किया था। इसके अलावा सबसे पहले समय में क्या है, जो इसके बारे में बताया गया कि ये जो गाँव के अंदर ईंटें कोई द्वारा घर बनाया गया है, तब पता चलता है कि बहुत से जो उस समय की सभ्यता के घर थे वो तो क्या है, गांव वालों ने ईंटों के लालच में तोड़कर अपने पास ही रख लिए। यानी कहने का आशय यह है कि जो पुरानी सभ्यता की निशानियां थी या घर बने हुए थे पुरानी सभ्यता के, तकरीबन 4700 साल पहले के जो घर बने हुए थे, उनकी ईंटें निकाल कर गाँव वालों ने क्या किया, अपने घरों को बना लिया, और उस पुरानी विरासत को, जो ऐतिहासिक विरासत थी, उसका क्या है, नष्ट करते रहे अनजाने में। लेकिन जब इसके बारे में पता चला तो सबसे पहले क्या है, हड़प्पा की खोज हुई थी। इस सभ्यता का सबसे पहला जो नगर खोजा गया था, पहला जो क्षेत्र खोजा गया था, वो हड़प्पा खोजा गया था। इसी कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसको कहते हैं सिंधु सरस्वती, क्योंकि यहाँ से क्या है, एक सरस्वती नदी भी गुजरती थी इस क्षेत्र से, जो पाकिस्तान में से होकर अरब सागर में गिरा करती थी। ठीक है, तो इस कारण से इसके क्या हैं, तीन नाम हैं, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता।
अब इसके बारे में खोजबीन होती है तो पता चलता है कि यहाँ तो बहुत विशाल नगर बसा हुआ था उस समय में, जो क्या है पक्की ईंटों के द्वारा बनाए थे। उस समय इतनी मजबूत ईंटें बनाई गई थी, जो 4700 साल पहले घर बनाए गए थे या उससे भी पहले के जो घर बनाए गए थे उनकी ईंटें आज भी काम में आ रही हैं। यानी इतनी मजबूत तरीके से उन्होंने घर बनाए थे, घरों की क्या है बाकायदा चिनाई के लिए वो अलग अलग सामग्री का उपयोग किया करते थे, जिसके कारण इतने मजबूत घर बने हैं उनके, जो इस समय भी मौजूद हैं। तो इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा मैप के द्वारा समझते हैं इस सभ्यता को। यह जो सभ्यता है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, उपमहाद्वीप के ऊपर वाले भाग में कह सकते हो। हालांकि ये सभ्यता जो थी इतिहासकारों का मानना है ऊपर कश्मीर से लेकर कश्मीर से नीचे महाराष्ट्र तक व्याप्त थी, महाराष्ट्र तक यह सभ्यता व्याप्त थी। और यहाँ जो है सौत काकोहो से लेकर इधर अपने उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश तक यह सभ्यता विद्यमान थी। यानी यहाँ जो पाकिस्तान का क्षेत्र है उस क्षेत्र से लेकर इधर अपने उत्तर प्रदेश तक यह इतनी विस्तृत क्षेत्र में क्या है यह सभ्यता फैली हुई थी। तो देखते हैं इसके बारे में। इसके जो मुख्य नगर हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। सिंधु नदी के पास बसा हुआ है मोहनजोदड़ो, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नगर है इसका वो है मोहनजोदड़ो। इसके ऊपर आपने एक मूवी भी देखी होगी मोहनजोदड़ो, तो वो इसी नगर के इतिहास के ऊपर बेस्ट मूवी थी। इसके अलावा रावी नदी के पास बसा हुआ है हड़प्पा नगर, ये दो इसके सबसे ज़्यादा प्रमुख नगर है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो नगर जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इधर राजस्थान और हरियाणा, ये है हरियाणा के अंदर और ये है राजस्थान के अंदर कालीबंगा और राखी कड़ी। क्या कालीबंगा के लिए कहा जाता है कि सबसे पहले जुते हुए खेत जो है वो कालीबंगा के यहाँ मिले थे। राखी कड़ी हरियाणा के अंदर है। इधर गुजरात के अंदर जो प्रसिद्ध नगर हैं वो धोलावीरा और लोथल हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत से, एक चहुंदड़ो नगर भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत से जो नगर थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत विस्तृत बड़े नगर क्या है इस सभ्यता में विद्यमान थे। उनके इतिहास के बारे में देखते हैं कि वो नगर किस प्रकार के थे। तो हड़प्पा की कहानी पूरी होती है कि किस प्रकार से पटरी की लाइनों के कारण उस इस ऐतिहासिक सभ्यता के बारे में हमें पता चल पाया, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने क्या है नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जिसका नाम है नगरों की विशेषताएं। अब इन नगरों की विशेषताएं क्या क्या थी वो देखते हैं। ये नगर जो थे, अब पहली बात ये आती है कि ये सारे नगरों को एक ही सभ्यता का किस कारण माना जा रहा है। ये सारे नगर जो थे वो एक ही सभ्यता के माने जाते हैं या एक ही समय कालीन माने जाते हैं, क्योंकि इन सभी में क्या है बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा समानताएं व्याप्त हैं। और इन सभी के आदान प्रदान या जो उद्योग है वो लगातार एक दूसरे के साथ होते रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ के जो रीति रिवाज हैं उनका भी क्या है इतिहासकार अंदाज़ा लगाते हैं कि लगभग इस पूरे क्षेत्र में क्या है एक जैसी रीति रिवाज हुआ करते थे। तो अब देखते हैं इसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं, नगरों की विशेषताओं के बारे में। जैसा कि मैंने बताया सबसे प्रसिद्ध जो नगर है वो है मोहनजोदड़ो, जिसके अवशेष क्या हैं बहुत ही अच्छी मात्रा में या बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। अब देखते हैं नगरों की स्थिति कैसी थी। देखिए नगर क्या है इस प्रकार से बसाए हुए थे, छोटा जो भाग था एक उसको दुर्ग कहा जाता है, लेकिन यह क्या था ऊंचाई पर बसाया हुआ था, ऊंचाई पर बसा हुआ था। पश्चिम की तरफ क्या है नगर होता था, जो क्या है इस दुर्ग के मुकाबले थोड़ा नीचे बना हुआ होता था। हालांकि पश्चिम का भाग जो है वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। यानी जो ये दुर्ग है ये पश्चिम में बना होता था, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी ये क्या है इसको ऊंचा बनाया जाता था और ये होता था नगर। इसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि दुर्ग जो था वो वहाँ के शासकों हेतु बनाया जाता था,
शासक के निवास हेतु वह दुर्ग बनाया जाता था और नगर जो था वो व्यापारियों, शिल्पकारों या दस्तकारों आदि हेतु बनाया जाता था। इसके अलावा नगरों का महत्व धार्मिक रूप से, धार्मिक और राजनीतिक रूप से भी हुआ करता था। क्या है, नगरों का महत्व हुआ करता था। तो यह क्या है स्थिति थी कि नगर बसाया हुआ किस प्रकार का होता था। एक छोटा भाग जो दुर्ग के रूप में था और बड़ा जो था वो नगर हुआ करता था, और दुर्ग जो थे वो राजा के लिए बसाए हुए थे। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता आती है वो आती है कि चाहे ये नगर हो और चाहे दुर्ग हो, दोनों के चारों ओर एक प्राचीर बनी होती थी, यानी दीवार बनी होती थी, मजबूत चौड़ी दीवार बनी होती थी इसकी सुरक्षा हेतु। और उसी प्रकार से नगर के चारों ओर भी क्या है, एक प्राचीर, मजबूत प्राचीर बनी होती थी, वह भी क्या है, सुरक्षा हेतु बनी होती थी। ऐसा माना जाता है कि इनमें प्रवेश करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम हुआ करता था, यानी जांच पड़ताल हुआ करती थी, उसी के बाद अंदर दुर्ग के और नगरों के अंदर प्रवेश करने का मौका मिला करता था। नेक्स्ट देखते हैं अपने इनकी आगे की जो विशेषता है वो, जो इनकी दीवारें क्या है मजबूत बनाई गई थी उस समय, और ईंटें क्या है अच्छी तरह से पकी हुई थी, तभी इतने सालों तक क्या है यहाँ ईंटें बनी रही। अब क्या है इन नगरों में क्या है कुछ खास इमारतें भी बनी होती थी। अगर एग्जांपल के तौर पर देखें अपने तो नगरों के अंदर क्या है एक बड़ा स्नानगार, स्नानागार का मतलब हो गया एक बड़ा क्या है, हो सकता है वहाँ धार्मिक रूप से लोग स्नान करने के लिए जाते होंगे। जैसे अभी क्या है कुंभ का मेला लगता है अपने, तो वहाँ लोग धार्मिक रूप से स्नान करने के लिए एक साथ वहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, तो उसी प्रकार से स्नानागार बने थे जिसके चारों ओर क्या है छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, और उस स्नानागार के चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, उनके मध्य क्या है एक बड़ा तालाब था जिसके अंदर हो सकता है सभी स्नान किया करते होंगे। इसके अलावा उसके अंदर पानी लाने के लिए स्पेशल क्या है एक पानी को निकालने के लिए और पानी दोबारा से उसमें भरने के लिए एक निकास द्वार और एक पानी को भरने के लिए कुओं वगैरह की व्यवस्था उसके अंदर की गई थी, बड़े बड़े कुएँ बनाए गए थे। तो ऐसा माना जाता है किसी धार्मिक प्रयोजन हेतु स्नान किया जाता था, वहाँ। इसके अलावा इस स्नानागार के आसपास यज्ञ वेदिकाएं भी मिली हैं, तो इसका आशय यह है कि जब यहाँ कभी धार्मिक रूप से स्नान हुआ होता होगा तो क्या है यज्ञ भी करवाए जाते होंगे और वो अपनी धार्मिक इच्छाओं को और अपने धार्मिक कर्मकांडों को पूरा करते होंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या है एक बड़ा अन्नागार भी मिला है। अन्नागार का मतलब है अनाज रखने का भंडार गृह, अन्नागार यानी अनाज रखने हेतु बड़ा भंडार गृह यह अन्नागार मिलता है, यानी वहाँ क्या है अनाज को बचा कर रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार की इमारतें बनाई जाती थी। इसके अलावा अगर अपने नगरों के घरों को देखें तो नगरों के घरों की स्थिति इस प्रकार से थी कि सड़क के दोनों तरफ क्या है मकान बनाए जाते थे और सड़कें जो थी वो क्या है एक दूसरे को
समकोण पर काटा करती थी। समकोण पर काटने का मतलब ये है कि सड़कें बिल्कुल सीधी और कभी न मतलब आगे बंद न होने वाली सड़कें क्या है यहाँ पर बनाई जाती थी। सड़कों की व्यवस्था भी क्या है कुछ उत्तम व्यवस्था हुआ करती थी। तो घरों का निर्माण क्या है कॉलोनी के रूप में कहा जा सकता है बनाया हुआ था। जैसे आजकल क्या है जो आर्किटेक्चर वगैरह हैं वो एक विस्तृत योजना बना कर क्या है एक कॉलोनी को घर को बनाते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने क्या है पूरे नगर को बनाया होगा। इसलिए माना भी जाता है कि नगरों में वो लोग भी रहते थे जिन्होंने क्या है इसके बनाने की योजना बनाई होगी। बनाने की योजना बनाने वाले जो थे योजनाकर्ता जो थे वह भी क्या है यहाँ पर रहा करते होंगे, जो क्या है नगर में समय समय पर सुधार करने हेतु कार्य करते रहते होंगे। तो यह क्या है घरों की स्थिति थी। घर जो थे उसके बारे में क्या है अब अपने नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं कि भवन किस प्रकार के थे, नाले कैसे थे और सड़कें कैसी थीं। तो इसमें क्या है अपने डिटेल से पढ़ते हैं। एक चीज़ जो रह गई है वो देखिए कि जो ये स्नानागार बनाया गया था इसको पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था, जैसा कि बनाया इसके लगभग सभी इमारतें पक्की ईंटों की बनी हुई है। और इसको क्या है प्लास्टर से क्या है ईंटों को मजबूत किया गया था, यानी इसको जोड़ कर रखा गया था प्लास्टर की सहायता से। और इसके ऊपर चारकोल, प्लास्टर के ऊपर चारकोल डालकर उसको क्या है मजबूत और ज़्यादा बनाया गया था, ताकि पानी का रिसाव ना हो, अंदर तक पानी न बैठे, इस हेतु क्या है चारकोल डालकर उसको और ज़्यादा मजबूत किया गया था। तो यह क्या है कुछ विशेषताएं थी इसके नगरों की। इसके अलावा कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगर जो थे वहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं। जैसे मैंने बताया कालीबंगा लोथल जैसे नगर हैं यहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कह सकते हो आप, या एक नाम बताया मैंने पहले यज्ञ वेदिकाएँ, यज्ञ वेदिका या अग्निकुंड वहाँ पर मिले हैं, जिसके सहायता या जिसके अनुसार हम अपने कह सकते हैं कि वो क्या है हिंदू धर्म की भांति जो यज्ञ प्रक्रियाएँ होती हैं वो संपन्न किया करते होंगे। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि पता लगता है इससे कि वो यज्ञ किया करते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर में क्या है बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में क्या है भंडार गृह या अन्नागार क्या है वहाँ पर मिले हैं। तो इस प्रकार से क्या है अलग अलग नगरों के क्या है बहुत ही अलग अलग विशेषताएँ रही हैं और इनको बहुत ही मजबूत तरीके से बनाया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना भवन, सड़कें और नाले। अब देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि वहाँ के भवन किस प्रकार के थे। देखिए भवनों के लिए कहा जाता है कि भवन के बीच में क्या है आंगन हुआ करता था, उसके चारों ओर क्या है कमरे बनाए जाते थे। भवन के बीच में क्या है आंगन हुआ करता था और उसके चारों ओर कमरे या रसोई वगैरह जो हैं वो बनाए जाते थे। सभी कमरों का जो द्वार होता था वो आंगन की तरफ खुला करता था। जो मुख्य द्वार हुआ करता था वो सड़क की तरफ हुआ करता था और वहाँ पर घरों के अंदर क्या है शौचालय और स्नानगृह और शौचालय क्या है घरों के अंदर ही मिलते हैं। बहुत से घर ऐसे भी हैं जहाँ पर कुएं भी मिलते हैं उनके द्वारा बनाए गए। और यहाँ के यानी एक तो क्या है आंगन मध्य भाग हुआ करता था घर का, कमरे उसके चारों तरफ बने होते थे। इसके अलावा सभी के द्वार जो थे वो आंगन में खुला करते थे, मुख्य द्वार सड़क की तरफ। कुएं प्रत्येक घर में थे लगभग,
प्रत्येक घर में लगभग, और शौचालय स्नानगार वगैरह मिला करते थे। इसके अलावा एक या दो मंजिल घर मिले हैं, वहाँ पर सभी घर बने हुए थे, यानी सीढ़ी बनाने की जो कला थी उस कला से भी क्या है ये लोग क्या है भिज्ञे अनभिज्ञ नहीं थे। वो जानते थे कि किस प्रकार से क्या है इतनी ऊंची इमारत का निर्माण उन्हें करना है, और इनके नगरों को देखकर पता भी चलता है कि किस प्रकार से कितनी बड़ी भव्य इमारतें इन्होंने बनाई होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं अपने कि यह तो क्या है भवन का निर्माण हो गया इनके, अब क्या है सड़कें और नाले के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समांतर पर काटती थी। एक दूसरे को समांतर पर काटने का मतलब है बिल्कुल 90 डिग्री के हिसाब से क्या है सड़कें बनाई गई थी। ऐसे नहीं था कि सड़कें जो थी वो गोलाई लेकर किसी भी प्रकार से बनाई गई हों। क्या है जो पूरा नगर बसाया गया था वो पूरा विधि पूर्वक योजना पूर्वक क्या है योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। तो सड़कें भी क्या है योजनाबद्ध तरीके से तैयार की गई थी। अब जो सड़कों का निर्माण था वो 90 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग होता था, यानी सड़कें क्या है एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटा करती थी। अब बात करते हैं इसके नालों की। तो प्रत्येक घर से निकलने पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी। उन नालियों को क्या है शहर की सड़क जो होती थी, नगर की सड़क जो होती थी, उसके बीच में से नाला बनाया जाता था। उस नाले की सहायता से क्या है उस नाले की सहायता से पूरे सभी घरों का जो जल था वो बड़े नालों में पहुंचाकर शहर से बाहर निकलवा दिया जाता था। शहर से बाहर उसको निष्कासित कर दिया जाता था अब देखिए ये जो नाले बनाए जाते थे सड़कों के बीच में, इनको बाद में क्या है वो पत्थरों की सहायता से ईंटों की सहायता से क्या है ढक दिया करते थे, इनको खुला नहीं रहने देते थे। वो क्या है सफाई के जानकार होते थे। साथ ही साथ क्या है जो नाले बने हुए थे उनके बीच में कई कई जगह पर मैन होल बनाए हुए थे जिसकी सहायता से जो कचरा वगैरह है उसको निकाला जा सके या समय समय पर क्या है उसकी सफाई की जा सके। तो यह व्यवस्था भी उन्होंने बना रखी थी। सड़कों को क्या सड़कों के मध्य जो नाले थे उनको ढक कर रखा जाता था ताकि किसी भी प्रकार की मच्छर या महामारी वगैरह न फैले, इस प्रकार की सावधानियां उन्होंने रखी थी। लगभग सभी सड़कें लगभग क्या प्रत्येक जो सड़कें थी वो पक्की सड़कें बनाई हुई थी उन्होंने, और उनके आसपास जो घर थे वो भी क्या है पक्की ईंटों के द्वारा सड़कों से जुड़े हुए थे। और घरों का जो जल था निष्कासित जल होता था जो घरों का वो है क्या है नाली की सहायता से अंडरग्राउंड नाली के द्वारा इनमें पानी पहुंचाया जाता था। तो इस प्रकार की उन्नत व्यवस्था जो आज अपने आधुनिक शहरों में बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार की व्यवस्था देखते हैं, उस प्रकार की आधुनिक व्यवस्था जो थी वो उस समय उन्होंने तकरीबन 4700 या 5000 साल पहले क्या है साल पहले इस प्रकार की उन्नत व्यवस्था को विकसित उन्होंने कर लिया था। नेक्स्ट अपने चलते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नगरों की विशेषताओं के बाद नगरीय जीवन। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना नगरीय जीवन। नगरीय जीवन तो देखिए नगरों के बारे में मैंने बताया जैसे कि व्यापारी लोग रहा करते थे, शिल्पकार या दस्तकार लोग रहा करते थे, वो क्या है अपने कार्य हेतु व्यस्त रहते थे। व्यापारी जो थे वो एक शहर से दूसरे शहरों में उनको जाना होता था। तो क्या है यहाँ पर बहुमूल्य धातु पत्थर या अन्य उपयोगी चीज़ें क्या है दूसरे शासकों से वो मंगवाते थे, और स्वयं भी क्या है दूर दूर तक अपने शासकों के हेतु व्यापार करते थे और वहाँ से वो चीज़ें ला कर देते थे।
अब देखते हैं शहरों में लोग किस किस प्रकार के रहते थे। तो सबसे पहली बात करते हैं अपने व्यापारी की। जैसा कि मैंने बताया, व्यापारी क्या है, शासकों के लिए महंगे धातु दूसरे देशों से या दूसरे क्षेत्रों से लाया करते थे। इसके अलावा व्यापार किया करते थे अन्य चीज़ों का, जो खाने की चीज़ें थी, कपड़ा था, उन चीज़ों का व्यापार वो व्यापारी किया करते थे। अपने शासकों के लिए सोने चांदी या अन्य जो महत्वपूर्ण धातु हुआ करती थी वो धातु लाया करते थे। और क्या है, उन चीज़ों का निर्माण भी क्या है किया जाता था। नगर की इमारतें जो थी वो कुछ खास चीज़ें बनाने में क्या है प्रयोग में ली जाती थी। यहाँ पर क्या है, पहले थे व्यापारी, दूसरे शिल्पकार या दस्तकार, वो नक्काशी करना धातुओं पर, धातु या मिट्टी की बनी चीज़ों पर, अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों पर क्या है वो नक्काशी किया करते थे। क्या है, मनके बनाना जो मनके होते हैं माला बनाने के लिए, उनका निर्माण ये किया करते थे। या मोहरें बनाना या बहुत सी प्रकार की जो चीज़ें थी जो शिल्पकार क्या है यहाँ पर बनाया करते थे। इस जैसे वस्त्र भी बनाया करते थे, आभूषण बनाया करते थे, ठीक है, कीमती आभूषणों या कीमती धातुओं का इस्तेमाल करके क्या है कीमती आभूषण भी वो बनाया करते थे। आभूषण, वस्त्र, मूर्तियाँ आदि चीज़ें क्या हैं शिल्पकार या दस्तकार वहाँ बनाया करते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपना वो है लिपिक वहाँ पर रहा करते थे, जो व्यापार की गणना किया करते थे। इसके अलावा जो मोहरें बनी हैं उनकी सहायता से व्यापारिक वस्तु के ऊपर सील पैक करना, या इसके अलावा जो लिपिक का कार्य होता था यानी अभिलेख लिखना या मोहरों पर लिखना आदि कार्य ये किया करते थे। अब इनसे एक बात बता देता हूँ मैं, ये जो उस समय लिपि लिखी जाती थी इस सभ्यता के समय, उसको कहते हैं ब्रुष्टोफेदन लिपि लिखी जाती थी। उस ब्रुष्टोफेदन लिपि को क्या है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है अभी भी पढ़ा नहीं गया है। फर्स्ट चैप्टर में हमने इस बारे में बात की थी कि लिपि क्या होती है, या जो पुरानी लिपियां हैं या अज्ञात लिपि है वो कौन सी थी। तो वो अज्ञात लिपि होती है जिनको पढ़ा नहीं गया है। तो उस अज्ञात लिपियों में से एक है ब्रुष्टोफेदन, जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और इसी कारण से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें उन अभिलेखों की सहायता से प्राप्त नहीं होती है। ये क्या है, इसके अलावा जो व्यापारियों के अनुभव हुआ करते थे दूर दूर देशों के जाने के, वो लंबी यात्राओं के अनुभवों को भी क्या है लिखा करते थे। अनुभव भी क्या है लिपिकों के द्वारा लिखे जाते थे। तो इस प्रकार से जो नगरीय लोग थे वो अपने अपने जीवन में क्या है व्यस्त थे, वो अपने अपने कार्य किया करते थे, और इसी के आधार पर क्या है उनका जीवन चलता रहता था।
इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपना नगर।